नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही हैं। और आपको ये बताती हैं कि अब LPG गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपये की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर में की गई है, जिसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, TMC हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के शासनकाल 2014 में सिलेंडर के दाम 410 रुपया थे। उस पर सरकार 827 रुपये की सब्सिडी देती थी। अब BJP के शासनकाल में सिलेंडर के जो दाम हैं वो 1103 रुपये हो गए हैं, उस पर 0 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। राहुल ने इसके साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में बस जनता की जेब कटी और देश की संपत्ति मित्र को खैरात में बटी। इस तरीके से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, जिसके बाद अब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें राहुल गांधी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी यानी UPA के शासनकाल में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। और इसी कड़ी में अभिजीत श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस चार्ट पर जवाब दिया है और लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पहली बार ये स्वीकार किया कि उनकी सरकार के समय LPG सिलेंडर जो था वो 1240 का था, यानी अगर टोटल किया जाए तो वो 1240 रुपये का था और उस पर वो 830 रुपये सब्सिडी दिया करते थे गैस कंपनियों को, तब जाकर पब्लिक को LPG सिलेंडर 410 रुपये में मिलता था। इतना ही नहीं, अभिजीत ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि लेकिन राहुल गांधी जनता को ये नहीं बताते कि 10 साल तक लाखों करोड़ों की सब्सिडी लुटाने के बाद देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी और कार्यकाल की समाप्ति तक आते आते UPA सरकार ने LPG सब्सिडी में कटौती करने का फैसला लिया था। यानी आधा अधूरा सच जो है वो राहुल गांधी जनता के सामने रख रहे हैं और इस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश महंगाई के मुद्दे पर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें अगर UPA के शासनकाल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की बात की जाए, जो राहुल गांधी ने शेयर की है, अगर गैस सिलेंडर की कीमत और सब्सिडी को जोड़ा जाए तो जाहिर तौर पर उसकी जो कीमत है वो 1240 रुपये बैठती है। लेकिन वहीं आज के टाइम में अगर बात की जाए 2023 में BJP के शासनकाल में घरेलू गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 1103 रुपये बैठती है, तो ऐसे में लोग अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से राहुल गांधी ने ये आधा अधूरा सच क्यों बताया है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए लोग लिख रहे हैं कि UPA सरकार 2004 से 2014 जो घपलों की सरकार के तौर पर देश के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज है, उन्होंने न केवल इस देश को लूटा बल्कि इस देश के लोगों को भी नोच डाला था। 2014 में LPG की लागत राहुल गांधी बता रहे हैं कि 2023 की लागत से ज्यादा थी, उन्हें देश के रिजर्व को सब्सिडी में उड़ाना पड़ा। ये लगातार राहुल गांधी को इस तरीके से अब उनके ही ट्वीट पर लगातार घेरा जा रहा है। कुछ और लोगों ने ट्विटर पर राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जो कमेंट किए हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को वक्त वक्त पर खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जनता के सामने जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के लिए झूठ का सहारा लिया है, जो आधी अधूरी सच्चाई बताई गई है। सुनील शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए के लिखा है कि मतलब खुद अपने निकम्मेपन को अपने आंकड़ों में राहुल गांधी जाहिर कर रहे हैं। 2014 में सिलेंडर की कुल कीमत जो है वो 1200
37 रुपये का सिलेंडर थी, लेकिन वहीं जो आज के टाइम में अगर बात की जाए तो 1103 का सिलेंडर सरकार दे रही है। तो आंकड़ों से ही साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने इस ट्वीट के जरिए, कोशिश तो उनकी यही थी कि सरकार पर निशाना साधा जाए, लेकिन खुद अब फंस चुके हैं। और साथ ही एक यूजर ने ये भी लिखा है कि आपके कार्यकाल में सिलेंडर सिर्फ खास लोगों तक सीमित था, आज ये घर घर तक पहुंच रहा है। और रही बात सब्सिडी की, तो कांग्रेस कार्यकाल में सिर्फ सरकार भरोसे ही लोगों को रखा जाता था, आज लोग स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर हैं। आय बढ़ने पर खुद से सब्सिडी लोगों ने त्यागी है ताकि वो पैसा राष्ट्र के निर्माण में लगा सके। तो इस तरीके से लगातार लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर यूपीए के शासनकाल के दौरान जिस तरीके से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से देश कमजोर रहा है, लेकिन अब बढ़ते वक्त के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ बढ़ रही है। दुनिया के तमाम बड़े देशों को भारत टक्कर देने में कामयाबी हासिल कर रहा है। ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ दिया है, ये अपने आप में भारत की उपलब्धियां हैं जो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से लगातार महंगाई के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरा जाए, और खासतौर पर राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल के प्रमुख हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का सपना ये 2024 में देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो इनकी झूठ की राजनीति है, जो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक के बाद एक, कहीं ना कहीं टूलकिट जो सामने आ रही है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। और राहुल गांधी लगातार तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बात अगर घरेलू गैस सिलेंडर की जाए तो हाँ जरूर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपये का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी को लेकर ही लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन यूपीए के शासनकाल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दावा कर रही है कि 410 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन आखिर उसका आंकड़ा क्या था, किस तरीके से कहीं ना कहीं जो गैस कंपनियों को रकम दी गई उसके बाद पब्लिक को एलपीजी सिलेंडर जो है वो 410 रुपये में मिला, और किस तरीके से आर्थिक स्थिति यूपीए के शासनकाल में बद से बदतर हुई। लेकिन आज अगर विकास की बात की जाए, अगर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को सीधा लाभ जो है वो जो तमाम सड़कें बन रही हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, फिर चाहे वो गैस पाइपलाइन की सुविधा हो, फिर चाहे वो आसानी से गैस सिलेंडर मुहैया कराने की बात हो, फिर चाहे वो सरकार की उज्ज्वला योजना की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने सीधे जनता तक पहुंचाई है। और यही वजह है कि लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर इस तरीके से कमेंट करते हुए यूपीए शासनकाल की याद राहुल गांधी को दिला रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि आखिर देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त क्या थी, किस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी थी। तो बेहतर होगा कि राहुल गांधी इस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर कम से कम ये आंकड़े पेश ना करें। ये तमाम लोगों के जो कमेंट हैं वो लगातार राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सामने आ रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद ही अपनी पोल खोल कर रख दी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।